वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या है? इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के क्रियाकारकों की सांद्रताओं के उन निश्चित घातांकों पर निर्भर करता है जिस पर वास्तविक रूप से निर्भर करता है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया निर्भर करती है अभिक्रिया निर्भर करती ठीक है। तो वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के उन निश्चित घातांकों पर निर्भर करता है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया निर्भर करती है ठीक है। जैसे हमने एक रिएक्शन ली, रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट बी बना रहा है, रिएक्टेंट ए क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बी बना रहा है ठीक है। तो अब इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग कैसे दर्शाएंगे? ये भी देखो सिर्फ क्रियाकारकों की सांद्रताओं के लिए है ठीक है, इसमें उत्पाद का अभिक्रिया का वेग नहीं लेंगे, सिर्फ ये रिएक्टेंट के लिए ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग हम किस तरह से दर्शाएंगे? आर ओ आर क्या हो जाएगा? समानुपाती, आर ओ आर समानुपाती ए की पावर अल्फा ठीक है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रताओं के उन निश्चित घातांकों पर निर्भर करता है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया निर्भर करती है। तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? इस घातांक अल्फा पर निर्भर करेगा ठीक है। तो ये अल्फा क्या है? एक निश्चित घातांक है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है ठीक है। तो आर ओ आर क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग आर ओ आर समानुपाती क्रियाकारक की सांद्रता की निश्चित अल्फा ठीक है। ये अल्फा क्या है? एक निश्चित घातांक है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है ठीक है। इसी तरह से अब ये जो अल्फा है, ये अल्फा ही क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ये अल्फा ही क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है ठीक है। और इसका मान जो है, अल्फा का मान जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और भिन्न के रूप में भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है ठीक है। तो ये जो अल्फा है वो धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, शून्य भी हो सकती है ठीक है, और पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, अपूर्णांक संख्या भी हो सकती है, और भिन्न के रूप में भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है ठीक है। तो ये अल्फा ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया कोटि कहलाती है। फिर एक और अभिक्रिया ली हमने, जैसे 2A प्लस बी, दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी ठीक है। क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन को अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा ठीक है। अपन अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये मोल, नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं आई पावर के रूप में, है ना? तो ये नंबर ऑफ मोल्स वेग नियम के अनुसार क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स है मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्या, है ना? और ये जो कोटि है वो हम क्या करेंगे, वो कोटि के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं ठीक है। अभी हम अभिक्रिया वेग की बात करते हैं ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन को अभिक्रिया का वेग ये दिया हुआ है, ये ए की सांद्रता की पावर अल्फा और बी की सांद्रता की पावर बीटा ठीक है। अब इसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब पहले तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? इन दोनों के
घातांकों के योग पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अल्फा और बीटा के घातांक अल्फा और बीटा के योग पर निर्भर करता है। तो अपन कह सकते हैं कोटि क्या हुई, इन अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगी। क्या हुई कोटि? अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगी। ठीक है, अब ये जो वेग नियम, अब हम वेग नियम के अनुसार एक और बात करते हैं कि वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता को हम क्या कहते हैं? सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के उन निश्चित घातांकों पर निर्भर करता है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया निर्भर करती है। बस ये क्या है, उसको सक्रिय द्रव्यमान, सेम परिभाषा है या सेम है वेग नियम के जो हमने पहले बताई थी वो सेम है, बट हमने सांद्रता के स्थान पर यहाँ पे क्या यूज किया है, सक्रिय द्रव्यमान यूज किया है। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के उन निश्चित घातांकों पर निर्भर करता है या उन निश्चित घातांकों के गुणनफल के समानुपाती होता है जिस पर वास्तविक रूप से अभिक्रिया निर्भर करती है। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है, प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और ये जो घातांक अपन ने यूज किए ऊपर अल्फा और बीटा, ये जो घातांक यूज की है ये भी क्या होती है, प्रायोगिक रूप से ज्ञात की जाती है, प्रैक्टिकली ज्ञात की जाती है। ठीक है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो प्रैक्टिकली ज्ञात की जाती है और अभिक्रिया का वेग भी जो है वो प्रैक्टिकली रूप से ज्ञात किया जाता है। अब ये जो अल्फा और बीटा जो है वो या तो इन नंबर ऑफ मोल के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मॉलिकुलरिटी है, अनुसंख्यता है, इन मोलों की संख्या के बराबर हो भी सकती है अल्फा और बीटा का मान और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक है अपने अभिक्रिया का वेग किसके अनुसार, वेग नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि वेग नियमानुसार दिया गया अभिक्रिया के वेग में, वेग नियमानुसार दिए गए अभिक्रिया वेग में क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया कोटि कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, वेग नियमानुसार, वेग नियमानुसार दिए गए अभिक्रिया वेग में, अभिक्रिया वेग में, वेग नियमानुसार दिए गए अभिक्रिया वेग में क्रिया कारकों की, क्रिया कारकों की सांद्रताओं, क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया कोटि कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, फिर जैसे एक रिएक्शन, एक अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है, जैसे सेम वही ROR, एक अभिक्रिया दी हुई है ROR या अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है ROR a की पावर अल्फा और b की पावर बीटा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया वेग के लिए अभिक्रिया कोटि क्या होगी, कोटि होगी अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से एक और अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है, एक और अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा, c की पावर गामा, तो कोटि क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। कोटि क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है अपन को समानुपात, ROR समानुपाती a की पावर अल्फा, a की सांद्रता की पावर अल्फा
इंटू बी की संतता की पावर बीटा, तो इसकी कोटि क्या हुई अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से सेम वही है, बस अपन ने गामा जोड़ा है, तो इसकी कोटि क्या हुई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2N2O5 चेंज इनटू क्या दे रहा है अपन को 4NO2 प्लस। ठीक है, 4NO2 और O2 दे रहा है। अब ये अभिक्रिया जो है, हम इस अभिक्रिया की कोटि निकालें। कोटि कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती है या फिर विभिन्न पदों में संपन्न होती है। अगर कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। सबसे धीमा स्टेप क्या होता है, सबसे धीमा पद कौन सा होता है, वेग निर्धारक पद होता है। कौन सा होता है, वेग निर्धारक पद। अगर कोई अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है तो सबसे धीमा पद क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, जैसे हम कहते हैं RDS। ठीक है, अब जो वेग डिटरमाइनिंग स्टेप है उसकी जो उसके लिए जो हम वेग अभिक्रिया का वेग निकालेंगे या अभिक्रिया का वेग जो समीकरण लिखेंगे वही क्या कहेगी, वही उसकी कोटि को निर्धारित करेगा। ठीक है, जैसे ये है, ये जो N2O5 इसको गर्म करने पर क्या देता है अपन को 4NO2 प्लस O2। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है वो तीन पदों में संपन्न हो रही है, निम्न पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होगा, देखो N2O5 जो है वो क्या देगा अपन को N2O3 प्लस O2। ठीक है, फिर ये N2O3 क्या बनाएगा, N2O3 क्या देगा अपन को NO प्लस NO2। ठीक है, NO प्लस NO2। अब ये जो NO है ये वापस N2O5 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, 3NO2। क्या बनाएगा, 3NO2। अब ये जो ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट है, ये भी क्या है, फास्ट। ठीक है, स्लो स्टेप है तो ये क्या होगा, वेग डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब अपन को ये स्लो स्टेप कैसे हुआ, ये फास्ट कैसे आया, ये फास्ट कैसे है, ये अपन को ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा। इसको जब हम लैब में हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम लैब में इसको इस 4NO2 और O2 को मिलाकर जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तभी हमको प्रैक्टिकली पता चल सकता है कि ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन फास्ट है, ये नहीं। ठीक है, तो सिर्फ हमको ये प्रैक्टिकली पता चल सकता है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो हो रही है। तो अपन को सिर्फ पता है कि ये स्लो है, ये फास्ट है और ये भी फास्ट है। तो ये स्लो है तो ये क्या हुई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया ये। तो अब इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग कैसे दर्शाएंगे, तो इस अभिक्रिया के लिए R और R समानुपाती क्या हो जाएगा, क्या है क्रिया कारक, N2O5 है तो समानुपाती N2O5। ठीक है, इसकी पावर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि क्या आई 1। आया समझ में, सही सही बता, आया समझ में पक्का। देखो मैं वापस से समझा रही हूँ, जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5,
ठीक है, और ये अपन को गर्म करने पर क्या दे रहा है, 4NO2 और O2 दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को वो देखना है कि अगर कोई अभिक्रिया जैसे यही है, ठीक है, अगर विभिन्न पदों में संपन्न हो रही है, ये जो अभिक्रिया है अगर विभिन्न पदों में संपन्न हो रही है, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा, सबसे धीमा पद जो होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग पद होगा, और उसी पद की जो अभिक्रिया होगी वो अपन को कोटि बताएंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए जो अपन अभिक्रिया का वेग निकालेंगे ये अभिक्रिया कोटि नहीं बताएगा, अभिक्रिया कोटि सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए जो अभिक्रिया कोटि निकालेंगे या अभिक्रिया का वेग निकालेंगे उसकी जो कोटि आएगी वो क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि आएगी। ठीक है, तो ये होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जो ये वाला है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसके लिए हमने अभिक्रिया का वेग निकाला, आर ओ आर समानुपाती, क्रियाकारक कौन सा है, N2O1। ठीक है, इसके फॉर में कुछ नहीं है तो कोटि क्या हो गई, 1। ठीक है, इसी तरह से हम और एग्जांपल लेते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे H2+Br2। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, 2HBr। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अपन को ROR दिया दे रखा है, समानुपाती H2 और Br2 की पावर। हाँ ठीक है, ये जो अभिक्रिया है उसके लिए इसकी काइनेटिक्स से पता चलेगा कि ये Br2 की पावर हाफ कैसे है। ठीक है, वो क्या है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, अपन को सिर्फ अपन को वेग दे रखा होगा और वेग के ऊपर ये सारा वेग दे रखा होगा, इसी वेग से अपन को क्या करना है, कोटि पता लगाना। ठीक है, अब ये पावर यहाँ पे H2 की पावर 1 है, H2 की संख्या की पावर 1 है और Br2 की संख्या की पावर हाफ है, तो ये हमको इसकी काइनेटिक्स है पूरी आप लोगों के MSc में आएगी, ये H2 और ये HBr की जो रिएक्शन है काइनेटिक्स है वो पूरी रिएक्शन काइनेटिक्स पूरी की पूरी MSc में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे Br2 की पावर हाफ कैसे आया और ये H2 की पावर कहाँ से आया, ये भी आधी दे रखी है रिएक्शन, इसके नीचे भी होता है। ठीक है, इसके नीचे होता है 1+K-HBr की सांद्रता अपॉन Br। ठीक है, ये होता है पूरी इसकी जो मैकेनिज्म या इसके लिए जो काइनेटिक्स होती है, उस काइनेटिक्स से जो अभिक्रिया का वेग निकालते हैं वो अभिक्रिया का वेग ये आता है, वो भी ये भी कौन सा है, ये थर्मल है, और इसके लिए फोटोकेमिकल भी अलग होती है, इसकी फोटोकेमिकल काइनेटिक्स भी अलग होती है और इसकी थर्मल काइनेटिक्स भी अलग होती है इस रिएक्शन के लिए। तो अपन को सिर्फ अपन को इतना पता रखना है कि ये दे रखा है अपन को वेग, ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए अपन को दे रखा है ROR समानुपाती या प्रोपोर्शनल H2 की सांद्रता इंटू Br2 की सांद्रता की पावर हाफ, ये अपन को वेग दे रखा है। तो अब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सांद्रताओं का योग कर लो, 1+1/2 क्या आया, 1/2। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है जैसे H2+Cl2, HNu की प्रेजेंस में क्या बना दे, 2HCl। ठीक है, इसके लिए अपन को ROR अभिक्रिया का वेग दे रखा है H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर भी 0, तो कोटि क्या आई, 0, क्या आई, 40, 0। इसका सेम प्रोसेस है, इसकी भी फोटोकेमिकल
काइनेटिक्स है, ठीक है, ये भी क्या है, फोटोकेमिकल काइनेटिक्स है, ये कहाँ से आया, जीरो वीरो वो सब उससे पता चलेगा, ठीक है। तो अपन को आर ओ आर दिया दे रखा होगा, बिना आर ओ आर के, बिना अभिक्रिया के, अभिक्रिया के वेग के हम कोटे को नहीं निकाल सकते, ठीक है, बिना अभिक्रिया के वेग के हम कोटे को नहीं निकाल सकते। तो अभिक्रिया का वेग अपन को दे रखा होगा और उसको अपन को क्या करना है, कोटे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे एच टू प्लस आई टू, एच टू प्लस आई टू क्या बना रहे हैं, टू एच आई, इसके लिए आर ओ आर दे रखा है अपन को, एच टू आई टू, कोटे क्या आई इसके लिए, क्या आई कोटे, टू। जब कोई घातांक नहीं हो उसका मतलब क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस वन क्या आया, टू। इसी तरह से एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, और बाद में कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग के बिना हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और कोटि का मान क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और पूर्णांक और अपूर्णांक संख्या और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, भिन्न रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्या होती है, कोटि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है अणुसंख्यता, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अणुसंख्यता क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।